ये वही किसान आंदोलन का एक पार्ट टू है, तो ये समझना चाहिए। ये राजनीति से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित है, मोटिवेटेड है। कौन लोग वहां पर आ रहे हैं, वामपंथी टूल किट का एक हिस्सा है। सत्यपाल मलिक जी एक फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। उनको लगता था, जब तक आज की वीडियो और पहले की वीडियो में अगर अंतर देखेंगे तो उनको लगा ये मोटिवेटेड उनको बनाया था, लेकिन वो किन ही लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। शायद एक विश्वास जो बना था, उन्होंने अपना विश्वास खुद गवाया। विधानसभा के इलेक्शन भी जल्दी करवाए जाएंगे। 8 सालों से नहीं हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि देरी हो गई है? लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लिए जो कानून विधानसभा में बनने थे वो नहीं बन पा रहे। देखिए ये नहीं होता, ये अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो सुधारना था। ये इस प्रदेश की परिस्थिति बिगड़ चुकी थी, यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, यहाँ पर पाकिस्तान परस्त लोग रहते थे और सरकार में बैठ करके, प्रशासन में बैठ करके लोगों ने एक बहुत गलत रोल प्ले किया है। जरूरी था धारा 370 को तोड़ना। आज लोग प्रसन्न हैं, लोगों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। यही पहलवान जब मेडल लेकर आते थे तो भाजपा के नेता या फिर प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खिंचवाते थे, पार्टी में शामिल होते। देखिए आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो खेलों को राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व स्पीकर और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी इस समय हमारे साथ हैं, रियासी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कार्यक्रम था आज? देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा पंचायती राज मजबूत हो, उसके लिए प्रशासन के तौर पर तो प्रयास किया ही गया, लेकिन पार्टी के तौर पर भी प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 20 प्रकोष्ठ हैं अलग अलग, उसमें पंचायती राज एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की 80% जो जनता है वो हमारे पंचायतों में रहती है, गाँव में रहती है। तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार की मीटिंग्स की जा रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और एक बड़े कार्यक्रम मई और जून के महीने में किए जाएंगे जिला स्तर पर। उसी के तहत ये टूर, ये आज हमारे सुरजीत जी हैं, यहाँ के हमारे कन्वीनर हैं स्टेट के, और इसी तरह से गुरदीप जी हैं, हमारे रामेश्वर जी हैं यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, प्रीतम जी हैं, उनके माध्यम से ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, इसके लिए हम प्रयास। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर बात करें DDC BDC की या सरपंचों की, तो उनका ये कहना है कि उन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं मिले हैं और ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, और इसके साथ ही जो फंड उन्हें दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए पहले फंड थे ही नहीं, और बाकी सरकारों में जिस प्रकार से एक नाम के इलेक्शन करवाए जाते थे और पंचायत और सरपंच बना करके ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पहली बार हुआ है कि पंचायती राज को जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर बनाया गया है, और फंडिंग डायरेक्ट फंडिंग की जाती है। ये केंद्र सरकार का एक विज़न है, और स्थानीय स्तर पर पंचायतें मजबूत हो उसके लिए प्रयास किया जाए। पंचायती राज की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, 2014 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इस प्रदेश की परिस्थिति बिगड़ चुकी थी, यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, यहाँ पर पाकिस्तान परस्त लोग रहते थे और सरकार में बैठ करके, प्रशासन में बैठ करके लोगों ने एक बहुत गलत रोल प्ले किया है। जरूरी था धारा 370 को तोड़ना। आज लोग प्रसन्न हैं, लोगों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। आज वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, सभी को अधिकार मिले हैं। तो उन लोगों को तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है कि जिनको लगता है कि हमारी स्टेट चली गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्टेट दोबारा बनेगी और विधानसभा के इलेक्शन भी जल्दी करवाए जाएंगे। 8 सालों से नहीं हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि देरी हो गई है? लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लिए जो कानून विधानसभा में बनने थे वो नहीं बन पा रहे। देखिए ये नहीं होता, ये अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो सुधारना था, ये पाकिस्तान। लेकिन आप तो कहते हैं कि सिचुएशन बदली है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर बदला तो फिर चुनाव क्यों नहीं हुए? सिचुएशन बिल्कुल बदली है, और आपने देखा होगा कि पूरी समरी रिवीजन हुई है, और जल्द ही उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की इसकी मांग करती है। चलिए पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, उनका ये कहना है कि पुलिस बल का भी उपयोग किया जा रहा है, तमाम चीज़ें, उस पर आपका पर्सनली क्या सोचना है या फिर पार्टी का क्या सोचना? देखिए इसकी बहुत सी जो खबरें हैं बाहर आई हैं, कौन से होटलों में वो ठहर रहे हैं, ये वही किसान आंदोलन का एक पार्ट टू है, तो ये समझना चाहिए। ये राजनीति से प्रेरित है, मोटिवेटेड है। कौन लोग वहां पर आ रहे हैं, वामपंथी टूल किट का एक हिस्सा है।
लेकिन यही पहलवान जब मेडल लेकर आते थे तो भाजपा के नेता या फिर प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खिंचवाते थे, पार्टी में शामिल होते। देखिए आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो खेलों को राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी ने भी काफी सारे आरोप लगाए हैं, उन पर क्या कहेंगे? देखिए सत्यपाल मलिक जी एक फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। उनको लगता था, जब तक आज की वीडियो और पहले की वीडियो में अगर अंतर देखेंगे तो उनको लगा ये मोटिवेटेड है। लेकिन जब वो 370 उन्हीं के टाइम पे हटाया गया, अब उन्हें आप मोटिवेटेड कह रहे हैं, इतना अहम मुद्दा था जो उन्हीं के रहते यहाँ पे हटाया गया। एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं होता, हमारे सुरक्षा बल, हमारे लोग, सभी की एक टीम वर्क रहता है। उनको बनाया था, लेकिन वो किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, शायद एक विश्वास जो बना था उन्होंने अपना विश्वास खुद गवाया। चलिए, मैं पार्टी के कार्यालय में जब अंदर आ रहा था तो आप ही के किसी नेता ने मुझे कहा कि ये जरूर पूछना कि प्रशासन जो है उनकी नहीं सुनता है, यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं हो रही हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, प्रशासन के साथ अप्रोच किसने किया, प्रशासन के साथ आज भी हमारे लोग मिलते हैं और 100% लोगों के काम होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन प्रशासन की तरफ से काम हो रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। अब घर बैठकर मैं सिर्फ बातें करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो चुनाव जल्द होंगे ये आश्वासन? बिल्कुल, चुनाव जल्द होने चाहिए और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है, विजिट के बाद इलेक्शन घोषित होंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं और चुनाव जो है वो घोषित होंगे। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।